नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और मेरे साथ है ट्विंकल मैडम। आज हम बात करेंगे NISM के 12 सीरीज के बारे में, जो कि सिक्योरिटी मार्केट एंड फाउंडेशन सर्टिफिकेट एग्जाम में है। सही मैडम? और जो भी हमारे व्यूअर्स इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, वो इस वीडियो से कुछ क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में उनको काफी ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। रिसेंटली ये एग्जाम मैंने दिया है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे सामने आए, जो मैं पढ़ के गया था, तो वो जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। तो पहला क्वेश्चंस मेरे लिए ट्विंकल मैडम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंक लास्ट बोथ इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एंड रिसीविंग लिक्विडेशन प्रोसीड्स। नंबर वन गवर्नमेंट क्रेडिटर्स, नंबर टू लेंडर्स, नंबर थ्री एम्प्लॉयर्स और नंबर फोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर आपको क्या लगता है, क्या होगा आंसर? मैं चाहूंगा कि दर्शकों को चूज करना चाहिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। आई गेस आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर फोर। ठीक है, जैसे कि इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे, तो फॉलोइंग रैंक बोथ टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एंड रिसीविंग लिक्विडेशन। हां, तो लिक्विडेशन का प्रोसेस रहता है, तो गवर्नमेंट जब पहले डिसॉल्व किया जाता है, कंपनी को जब डिसॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हक रहता है जो गवर्नमेंट क्रेडिटर्स है, उसके बाद जो लेंडर्स है उनको पेमेंट किया जाता है, लेंडर से पहले एम्प्लॉय को पेमेंट किया जाता है, उसके बाद लेंडर्स को पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जो बचा कुचा हिस्सा होता है वो मालिक लोग बांट के लेते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होता है, तो लास्ट को ये लेते जाते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल गोल? फंड चाइल्ड एजुकेशन इन 10 इयर्स व्हिच 10 लाख, क्रिएट अ कूपन ऑफ रुपीस 1 करोड़ फंड द फ्यूचर नीड्स, इन्वेस्ट इन द इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ of rupees 5 crores, build enough asset to last lifetime of 30 years. मैं चाहूंगा आप चूज करें कुछ आंसर दर्शक। मैं अपने व्यूअर्स को फाइनेंशियल गोल के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जिस भी ऑप्शन में आपको अमाउंट के साथ साथ टाइम दोनों चीज मेंशन हो, वही आपका आंसर है। ये हिंट बहुत ही अच्छा हिंट है, मैं गेस कर रहा हूँ कि आपका आंसर पता हो गया। ठीक है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर है चाइल्ड एजुकेशन। तो मैडम ने पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे एक होता है फाइनेंशियल गोल और एक है फाइनेंशियल प्लानिंग। गोल क्या होता है, आपको एक ड्यूरेशन होता है जैसा मैडम बताया, और अमाउंट होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि रिटायरमेंट हो गया इसका, उसका कुछ गोल नहीं होता, टाइम पीरियड भी लंबा रहता है। ठीक है मैडम, आप कुछ बता रहे थे? नहीं भाई, ये अगर आपको ऑप्शन आता है ना, तो आप ये चीज जरूर देख लें कि उसमें टाइम और अमाउंट दोनों मेंशन है, क्योंकि दूसरे सारे ऑप्शन में आपको 1 करोड़ दिया हुआ है लेकिन टाइम नहीं है, फिर लॉन्ग टर्म दिया हुआ है लेकिन टाइम नहीं है, और लास्ट ऑप्शन में भी 30 इयर्स दिया हुआ है लेकिन कितना अमाउंट चाहिए ये नहीं है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दोनों चीज मेंशन है कि 10 इयर्स में 10 लाख रुपीज चाहिए। थर्ड क्वेश्चन ट्विंकल मैडम पढ़ेंगे। The reserves of the company is rightfully belongs to, कंपनी का जो reserves होता है वो rightfully किस पे belong करता है, promoter पे, institutional lender पे, employee पे या फिर share equity holders पे। तो सर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसके बारे में? पहले मैं चूज करना बोलूंगा कि दर्शक चूज कर लें अपना क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसमें जितना मुझे आइडिया है कि रिजर्व ऑफ ए कंपनी का जो रिजर्व होता है वही रिजर्व के लिए ही इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कि कंपनी कितना कमा रही है, अपने पास कितना बैलेंस रख रही है, वही उसका ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो रिजर्व ऑफ कंपनी इज राइटफुल बिलोंग टू, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर ही इसका आंसर होगा, आई होप। तो आंसर देखते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही है, क्योंकि एम्प्लॉय सैलरी के लिए काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स वो पैसा देते हैं डेट मतलब इंटरेस्ट लेने के लिए, प्रोमोटर्स भी मतलब इक्विटी मतलब प्रोमोटर्स भी राइटफुल होते हैं रिजर्व के लिए, लेकिन प्रोमोटर्स के पास
शेयर्स होने चाहिए, इक्विटी है तभी जाके वो रिजर्व के अंदर बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जी सर, करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट यील्ड ऑफ अ बॉन्ड हुज फेस वैल्यू इज रुपीज 100 एंड इट पेज 9% ऑफ कूपन, द करंट मार्केट प्राइस इज 114। तो यहाँ पे 100 रुपए का एक बॉन्ड है जिसमें 9 रुपए का कूपन है और 114 रुपए का प्राइस चल रहा है। तो इन्होंने बताया यील्ड क्या क्या हो सकता है, 6.8%, 7.8%, 8.8% और 9.8%। तो दर्शकों को चाहूंगा कि आप सिलेक्ट कीजिए एक आंसर। ठीक है, तो मैडम करंट इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको सॉल्व करके आप स्क्रीन पे बता दे देना तो वो व्यूअर्स को इजी होता समझने के लिए। जरूर, कोई बात। तो क्या है कि 100 रुपए का कूपन का फेस वैल्यू है, 9 रुपए का कूपन है, 9 रुपए का कूपन मतलब क्या होता है, 9% का इंटरेस्ट। तो 100 रुपए का 9% कितना हो गया, 9 रुपए। 9 रुपए यहाँ पे बन रहा है साल का। यील्ड का मतलब क्या होता है, जो करेंट मार्केट प्राइस का ये 9 रुपए कितना परसेंट होगा, तो 9 / करंट मार्केट प्राइस 114 × 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7.8%। जी, थैंक यू सो मच सर। आई गेस ये आंसर सही होगा, एक बार आंसर क्या है अगर आप बता पाए तो 7.8%। जी, कैलकुलेशन आप याद रखिए, यील्ड होता है प्राइस के ऊपर, कूपन होता है इंटरेस्ट रेट परसेंट। फिफ्थ क्वेश्चन ट्विंकल मैडम के लिए, द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर कैटेगराइज्ड एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट नॉट मोर देन डैश इन अ पब्लिक इशू। तो दो तीन दिन पहले भी हमने ये एलआईसी का जब आईपीओ का हमने वीडियो बनाया था उसमें भी हम लोग बताए थे कि अगर आप रिटेलर कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप कितना अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शायद व्यूअर्स को ये आंसर पता होगा। ठीक है, तो आंसर चूज करने के लिए कुछ वक्त देते हैं। ओके, अभी इसका आंसर क्या होगा मैम, बताइए प्लीज। सर देखिए, जब हम लोग रिटेलर कैटेगरी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, किसी आईपीओ में अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो हमारा रहता है वो 2 लाख तक ही रहता है, कि हम लोग 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ रिटेल कैटेगरी। अगर आप 2 लाख से ज्यादा आ जाता है आपका तो फिर वो आपका HNIs या फिर DII या FII हो जाता है। तो अगर रिटेल से कर रहे हैं तो वो मिनिमम 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख तक ही जाता है। तो मेरे ख्याल से 2 लाख का आंसर होगा। एक बार अगर आप आंसर बता सकें तो क्या है। जरूर, 2 लाख इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, द टैक्स फ्री बॉन्ड्स आर मेनली यूज्ड बाय पब्लिक इन द डैश सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बैंक सेक्टर, ऑल ऑफ द। तो टैक्स फ्री बॉन्ड जो होते हैं वो मेनली यूज PSUs में किसमें यूज होते हैं जनरली, इसके आंसर के लिए मैं आपको चूज करने के लिए थोड़ा वक्त दूंगा। ओके, तो जनरली जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, जनरली इक्विटी का अगर देखा जाए वो बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ELSS स्कीम होता है। उसके अलावा टैक्स फ्री बॉन्ड तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। 80D के अंडर में एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ये बीच बीच में आता है, 20,000 रुपए का आप एक्स्ट्रा टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं आफ्टर 80C 150 लाख के बाद। ठीक है, तो 1.5 लाख के बाद और 20,000 का 80D के अंडर में ले सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बॉन्ड होता है। चलते सेवन क्वेश्चन के ऊपर मैडम प्लीज। द सेटलमेंट प्राइस फॉर डिटरमाइनिंग द डेली मार्केट टू मार्केट मार्जिन फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन इज द एवरेज ऑफ द हाई लो एंड द क्लोजिंग प्राइस, द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, द एवरेज ऑफ द लास्ट 60 मिनट ऑफ द ट्रेडिंग प्राइस और द वेटेज एवरेज प्राइस फॉर द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग। जी, तो इसका आंसर चूज कीजिए प्लीज।
दर्शकों। ठीक है, इसका आंसर है द वेटेड एवरेज ऑफ 30 मिनट्स। लास्ट के 30 मिनट का जो एवरेज होता है वही मार्केट टू मार्केट प्राइस फ्यूचर ट्रांजेक्शन में डिसाइड किया जाता है। एक क्वेश्चन रहा, इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू द ऑफर विल बी ओपन फॉर ए पीरियड बिटवीन डैश टू डैश डेज एक्सटेंडेबल बाय 3 डेज इन द केस ऑफ रिविजन इन प्राइस बैंड। ठीक है, बुक बिल्ड इशू में कितने दिन तक एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया जा सकता है? प्लीज दर्शकों चूज कीजिए एक आंसर। इसका आंसर है 3 to 7 days। चलते हैं 9th क्वेश्चन के तरफ। जी सर। मैम प्लीज फिल द ब्लैंक्स है ये आपके लिए। इक्विटी सिक्योरिटीज आर डैश व्हाइल डेट सिक्योरिटीज आर डैश। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई गेस सबको आंसर पता होगा। हम कुछ सेकंड्स वेट करेंगे आपके आंसर्स के लिए, आप प्लीज आंसर चूज करें। जो हमारा इक्विटी इक्विटी होता है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, वाइल जो हमारा डेट सिक्योरिटीज होता है वो इनकम ओरिएंटेड होता है। तो सर आप आंसर एक बार देखेंगे। जी थैंक यू सो मच। ग्रोथ एंड इनकम। इनकम जी। थैंक यू वेरी मच। दसवां क्वेश्चन है, इन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफर द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल बी नॉट लेस देन डैश ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी 5%, 10%, 15% एंड 20%। प्लीज चूज कीजिए एक आंसर। थैंक यू। 20%। अगर आपने 20% चुना है तो यही सही जवाब। ठीक है, 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट इट्स कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे? अगर हमारा जो ऑप्शन है वो एक्सपायरी डेट से पहले वो टाइम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई गेस सबको आंसर पता होगा। सर मेरे ख्याल से इसका आंसर अमेरिकन ऑप्शन होना चाहिए। आप एक बार अगर आंसर लगा सके कि आंसर करेक्ट आंसर क्या है। जी सर थैंक यू सो मच। इसका आंसर है अमेरिकन ऑप्शन। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12th, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड बाय द ब्रोकर टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू पे फॉर परचेज ट्रांजेक्शन इज नोन एज सिक्योरिटी पे आउट, सिक्योरिटी पे इन, फंड पे आउट एंड फंड पे। प्लीज आंसर सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू। तो इसका आंसर है फंड पे इन। इसी टाइप का दूसरा एक क्वेश्चन भी आता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय द ब्रोकर, वहां पर आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा सिक्योरिटी पे। तो फंड पे इन एक होता है और सिक्योरिटी पे इन होता है। तो क्वेश्चन में अगर फंड इस्तेमाल किया गया है परचेज के लिए तो फंड पे इन आप सिलेक्ट करोगे, अगर सिक्योरिटी किया गया है तो सिक्योरिटी पे इन आप सिलेक्ट करोगे। 13th क्वेश्चन मैडम के लिए। जी, डैश इज नॉट एन इक्विटी इंडेक्स, इनमें से कौन सा इक्विटी इंडेक्स नहीं है? MIBOR, SX40, निफ्टी या सेंसेक्स? प्लीज दर्शकों एक आंसर सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू। जी सर, इसमें से SX40 जो है वो हमारा इक्विटी इंडेक्स नहीं है, बाकी जो है हमारा निफ्टी, सेंसेक्स और MIBOR, ये सारा हमारा इक्विटी इंडेक्स आता है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर पे, द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन डेट सिक्योरिटीज इंक्लूड डैश, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, ऑल ऑफ द अबव। प्लीज एक आंसर सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू। आंसर है ऑल, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क जो है डेट सिक्योरिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाला डिफॉल्ट हो जाए
पेमेंट करने में, तो वो होता है क्रेडिट रिस्क। तो अगर देखा जाए यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेक्शन रिस्क भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। लेकिन क्रेडिट रिस्क सामने वाला अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो वो सबसे बड़ा डेट में सबसे बड़ा लॉस उसी कारण होता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे मैडम प्लीज। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग पब्लिक इशू, इनेबल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन स्टॉक, प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर सिक्योरिटी इशूड, और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पब्लिक कंपनीज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग दो सेकेंड का पॉज लेंगे और व्यूअर्स आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू। इसका जो आंसर है वो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटी इशू होना चाहिए। जी जी, तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर, इफ ए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉल ऑप्शन इज हायर देन द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पुट ऑप्शन, द पुट कॉल रेशियो इज डैश, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0, 1। चूज कीजिए एक आंसर। आंसर है लेस देन 1। अगर आउटस्टैंडिंग कॉल ऑप्शन का रेशियो हाई हो जाता है तो पुट का कम हो जाता है, तो पुट डिवाइडेड कॉल हमेशा लेस देन 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है मैडम प्लीज। द इश्यू ऑफ द डेट सिक्योरिटीज इज रेगुलेटेड बाय प्रोविजन ऑफ डैश, सेबी इशूड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 2008, कंपनी एक्ट, सेबी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन ऑफ 2009, और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो वन, बोथ 1 और 2 है। तो सर जो डेट सिक्योरिटी का जो रेगुलेशन, अच्छा पहले व्यूअर्स आप आंसर अपना सेलेक्ट कर लीजिए फिर हम लोग बताते हैं। सर मेरे ख्याल से इसका आंसर है, बोथ 1 और 2 होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन का बात करते हैं तो उसमें कंपनीज एक्ट भी आता है और सेबी का जो इशू ऑफ लिस्टिंग एंड डेट सिक्योरिटी का रेगुलेशन एक्ट है वो भी आता है, तो बोथ 1 और 2 होना चाहिए। अगर आप आंसर हमें बता सके कि आंसर क्या है तो जी, बोथ 1 और 2, ठीक है जी। इसके बाद का क्वेश्चन और इसका आंसर क्लास हो गया है टेक्निकल रीजन के कारण जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड फॉर व्हिच ऑफ दिस म्यूचुअल फंड ऑप्शन, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शंस, ग्रोथ ऑप्शंस, ऑल ऑफ अबव। तो सिंपल सी बात है, डिविडेंड डिक्लेरेशन किस में नहीं होगा? ग्रोथ ऑप्शंस में नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। डैश आर इशूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू रेज कैपिटल, कैपिटल रेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या चीज इशू करती है? गवर्नमेंट है इसमें, ये बात आपको ध्यान में रखना है, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटीज एंड कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड, या ऑल ऑफ एवर। आप पॉज करके आप सोच सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कुछ इशू करती है तो वो ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड इशू करती है जिसका कि टाइम पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर का रहता है। ट्रेजरी बिल्स जो भी हमारा बजट होता है, बजट के ऊपर जो भी फिजिकल डेफिसिट होता है उसको क्लियर करने के लिए, उसको खर्चे को मेंटेन करने के लिए ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं जी, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स को हम शॉर्ट में टी बिल्स भी बोला करते हैं। राइट, नेक्स्ट 20। इफ द मॉनसून इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड देन द स्टॉक प्राइस ऑफ द फर्टिलाइजर कंपनी आर लाइक टू डैश, फॉल, राइज, रिमेन अनचेंज, नॉन ऑफ एबव। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपने सिलेक्ट कर लिया है आंसर। अगर मानसून अच्छा होता है तो लोग अपने खेती पर ज्यादा ध्यान देंगे और इससे फर्टिलाइजर का प्राइस, फर्टिलाइजर कंपनीज के जो प्राइस है उसका भी चांसेस ज्यादा है बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर है राइज। 21st क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मैडम। डैश मींस एन ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग इक्विटी शेयर्स इन एन एक्सेस
of the share offered in the public issue as the post-listing price stabilizing the mechanism? A. Preferential share issue, green shoe option, employee stock ownership plan या फिर bonus issue? तो मैं चाहूंगी कि इसका आंसर अगर आप हल्का डिस्क्राइब कर सके हमारे व्यूअर्स के लिए तो अच्छा रहेगा। श्योर। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, मैं आशा करता हूँ आपने अपना सिलेक्ट कर लिया है आंसर, ग्रीन शू ऑप्शन सही होता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक्स्ट्रा अकाउंट एक रखता है जहां पर बहुत सारा पैसा रखा जाता है, अगर मार्केट में गिरावट आए तो लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग करने के लिए, मतलब जो प्राइसेस है उसको स्टेबल करने के लिए एक ग्रीन शूज का ऑप्शन यूज किया जाता है, वहां से पैसा डाल लाकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है मार्केट को स्टेबल करने के लिए। 22nd, द रिस्क ऑफ डेट इश्यूअर डिफॉल्टिंग ऑन प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट पेमेंट इज नोन एज डेट रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, हेजिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। प्लीज इसका आंसर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, आंसर है क्रेडिट रिस्क। डेप्टर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो क्रेडिट रिस्क ही होता है, सामने वाला डिफॉल्ट ना कर दे, तो क्रेडिट रिस्क हमेशा इसमें बना रहता है। 23rd में चलते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोजर मार्जिन आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ये एक्सपोजर मार्जिन जो होता है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बायर से, ओनली बायर से, या ओनली सेलर से, या बोथ बायर्स एंड सेलर से, या किसी से भी नहीं? ठीक है, प्लीज सेलेक्ट कर दीजिए एक आंसर। सर इसका आंसर ना सेलर्स ओनली होगा, क्योंकि जब जो मार्जिन कलेक्शन होता है ना वो बस सेलर्स से कलेक्ट किया जाता है इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। राइट, निफ्टी में अगर आप अगर निफ्टी में काम करते हैं, ऑप्शंस बाय करते हैं, तो वहां पे प्रीमियम का खो जाने का इशू रहता है, लेकिन अगर ऑप्शंस आप सेल करते हो वहां पर आपको जो प्रॉफिट करने का पोटेंशियल होता है वो प्रीमियम होता है, लेकिन लॉस इन्फिनिट होता है, इसलिए पूरा फ्यूचर का मार्जिन सेलर के पास से लिया जाता है, एक्सपोजर मार्जिन उसको कहा जाता है। ऑप्शन अगर आप सेल करोगे तो पूरा जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन है वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलेंगे 24th क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड हुज फेस वैल्यू इज 100 एंड इट पेस 8% कूपन, द गवर्नमेंट मार्केट प्राइस इज रुपीज 101। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने कर चुके हैं और इसका जो प्रोसेस है मैंने बता चुका हूँ, तो प्लीज इसका आंसर आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द इंडेक्स राइजेस बाय 20% एट 11 AM द ट्रेडिंग विल बी हॉल्टेड फॉर। सर अगर जब 20% से नहीं, पहले व्यूअर्स आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिए फिर हम आंसर्स बताते हैं आपको। 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, रेस्ट ऑफ द डे। जी सर, अगर इंडेक्स में राइज या फिर डाउन होता है 20% से ज्यादा का या 20% का, तो पूरे डे के किसी भी टाइम में अगर 20% होता है तो रेस्ट ऑफ द डे के लिए मार्केट को क्लोज कर दिया जाता है। वहीं पे अगर हम डिफरेंट सिनेरियो की बात करें तो उसका अलग अलग सब टाइम पीरियड है। राइट, अगर मार्केट 10% का सर्किट करता है, मतलब बढ़ जाता है, तो सवेरे उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है और आफ्टर 1 PM उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है, 15% का भी ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है, लेकिन 20% अगर किसी भी समय में भी बढ़े या घटे तो मार्केट में रेस्ट ऑफ द डे सर्किट लग जाता है, मतलब बंद हो जाता है, ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है। जी अगर 10% इसको और तो मैं अगर एक्सप्लेन करूँ अपने व्यूअर्स के लिए, तो अगर 10% का सर्किट लगता है चाहे वो अपर हो या लोअर हो 1 बजे से पहले, तो 45 मिनट्स के लिए होल्ड होगा। अगर 10% का सर्किट लगता है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में, तो 15 मिनट्स के लिए होल्ड किया जाएगा। और अगर 2:30 के बाद ये 10% का सर्किट लगता है तो इसमें कोई होल्ड नहीं होगा। ये हुआ 10% का। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 15% के बारे में। अगर 15% का UC या LC लगता है 1 बजे से पहले, तो 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग सेशन को क्लोज किया जाएगा।
अगर 15% का सर्किट लगता है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, तो 45 मिनट्स के लिए ये ट्रेडिंग सेशन को होल्ड किया जाएगा। और अगर 2:30 के बाद 15% से ऊपर अगर बढ़ता है मार्केट या घटता है, तो रिमेनिंग ऑफ द डे के लिए हमारा ट्रेडिंग सेशन जो है वो बंद हो जाएगा। और वहीं पे अगर 20% होता है डे के किसी भी टाइम में, तो पूरे डे के लिए हमारा जो ट्रेडिंग सेशन है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। सर हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 26th, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। सर आप क्वेश्चन रीड आउट कर देंगे? डेट्स आर द एग्जांपल ऑफ amortizing bond in which the instrument paid by the borrower has both interest and principal component. ये कौन सा बॉन्ड होता है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे किया जाता है? होम लोन्स, ऑटो लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर के लिए थोड़े 2 मिनट हम सारा टाइम देंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपने आंसर चूज कर लिया है। यहाँ पर आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों एमोर्टाइजिंग बॉन्ड है जिसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करने पड़े। तो आज के लिए ये था आपका NISM 12 सीरीज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रेगुलर आते हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को इतना सारा प्यार लाइक देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट एंड लक। बाय बाय।